डरावनी हो जाती है। ये रिपोर्ट देखिए। अब की बार रिजवी का मूंछों पर वार, बगैर मूंछों के दाढ़ी को दिया गैर शरीयत करार। कट्टरपंथी मुल्लाओं पर जमकर बरसे वसीम रिजवी, सिर्फ दाढ़ी रखने वालों को बताया कट्टरपंथी मुसलमान। रिजवी ने की भारतीय संस्कृति की सराहना। शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने एक वीडियो जारी कर जाहिल मुल्लाओं पर जमकर निशाना साधा। बात बात पर फतवा जारी करने वाले मौलानाओं पर वसीम रिजवी का ये वीडियो एक जोरदार तमाचा है। वसीम रिजवी ने बिना मूंछ के दाढ़ी रखने वाले मुसलमानों को भी जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि दाढ़ी रखकर मूंछ न रखने से शक्ल डरावनी होती है। वसीम रिजवी ने कहा, दाढ़ी रखना सुन्नत है, लेकिन दाढ़ी रखकर मूंछे न रखना सुन्नत नहीं है। दाढ़ी रखकर मूंछ न रखने से शक्ल डरावनी होती है। बगैर मूंछों की दाढ़ी रखने वाले मुसलमान कट्टरपंथी होते हैं। ऐसे ही कुछ चेहरे आतंक की पहचान बन गए हैं। दुनिया खौफजदा है। बगैर मूंछों की दाढ़ी खौफ पैदा करती है। बगैर मूंछों की दाढ़ी गैर शरीयत है। इतना ही नहीं, वसीम रिजवी कट्टरपंथी मुल्लाओं पर जमकर बरसे और भारतीय संस्कृति की सराहना की। उन्होंने कहा कि बिंदी लगाना, मांग भरना औरतों की सुहाग की निशानियां हैं। ये पवित्र प्रथा कभी हराम नहीं हो सकती। बिंदी लगाना और मांग भरना ये औरतों की सुहाग की निशानियां हैं। ये हराम नहीं हो सकती। हराम है गाय काटना, हराम है गाय का गोश्त खाना, हराम है तीन तलाक, हराम है हलाला, हराम है मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाना, हराम है तोड़े हुए मंदिरों पर मस्जिद बनाकर उसमें नमाज पढ़ना, हराम है सड़कों पर बिना इजाजत नमाज पढ़ना, हराम है बच्चों के भविष्य को मदरसों में खराब करना, और हराम है मुल्लाओं के, जाहिल मुल्लाओं के फतवों को मानना। आपको बता दें कि मुसलमानों के कट्टर नेता कहे जाने वाले AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी बिना मूंछ के दाढ़ी रखते हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि कहीं वसीम रिजवी का निशाना असदुद्दीन ओवैसी की तरफ तो नहीं था। खैर, वसीम रिजवी ने साफ तौर पर कहा कि बगैर मूंछों की दाढ़ी खौफ पैदा करती है और दुनिया इससे खौफजदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। और कानपुर देहात से बड़ी खबर है। गांव के दबंग